आज संडे है और सुबह से बारिश हो रही है। तो कल जब हम लोग दमदमा लेक से आए तो दमदमा लेक के बाद हमारी बैटरी जो है कैमरे की बहुत एकदम डेड हो चुकी, चार्जिंग पे लगा दिया क्योंकि फिर हम लोग घर आ गए थे, कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं। हम लोग को घर आते थे तो काफ़ी लेट हो गया था, ट्रैफिक बहुत था गुड़गांव में, कंस्ट्रक्शन काम ये सारी चीज़ें। बट एनीवेज नो प्रॉब्लम, आ गए फाइन, आराम किया, सोए गए। अभी बारिश है, बारिश के मज़े लेते हैं, पकौड़ियाँ खाते हैं। ये देखो बारिश का नाश्ता, छोले, और ये इसके सजावट पकौड़ी। आदू खाया नहीं बेटा आपने, क्या हुआ? तो हम लोग तैयार हैं और अभी हम लोग जाएंगे कहाँ? म्यूजियम, एयरफोर्स म्यूजियम। क्या देखेंगे हम वहाँ पे? प्लेन्स एंड टैंक। चलते हैं और एयरफोर्स म्यूजियम देखते हैं। तो आ चुके हैं एयरफोर्स म्यूजियम और चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे आदू को क्या मजा आएगा क्योंकि उसे हवाई जहाज बहुत पसंद है। चलते हैं अंदर। यहाँ आकर के 20 रुपये का एंट्री है इंडियंस के लिए, एडल्ट्स के लिए। वो हम टिकट परचेज करके और फिर हम एयरफोर्स का जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो हम लोग देख सकते हैं। अरे मिसाइल है वो, मिसाइल को क्या कर रहे हो तुम? ये देखो कितने बड़े बड़े हवाई जहाज यहाँ पर। तो ये सारा कचरा जो है ये पाकिस्तान का है और जो युद्ध में जो भी जीता गया या जो भी मार गिराया गया उसको हम लोग उठा करके यहाँ ले आए। सेबर जेट है, सेबर जेट के पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कि पाकिस्तानी जेट था उसके पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो 1971 में जो मेन प्लेन है, एक एयरक्राफ्ट इंजन, दो रेमिनेंट्स ऑफ कॉकपिट, तीन इजेक्शन सीट, रेमिनेंट्स ऑफ टेल सेक्शन, रॉकेट्स, मशीन गन, ड्रॉप टैंक। तो ये सारा पाकिस्तान का कचरा था जो कि हमारे यहाँ रखा हुआ है, पाकिस्तानियों की जरूरत है तो ले जाए आप। और ये है हवाई जहाज का विंग, है ना आदू? क्या है ये? ये वीआईपी हेलीकॉप्टर है जिसमें हमारे वीआईपी लोग जैसे कि रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, वो ट्रैवल करते थे। और इसका 1954 से 1966 यानी कि 12 साल ये इंडियन एयरफोर्स में काम किया है इसने और फिर रिटायर हो गया। ये है इंडियन एयरफोर्स का कैनबेरा, अगेन ये 1957 में काम करता था, काफ़ी पुराना हो चुका है। यूके में बना था, उत्तराखंड में नहीं पर यूनाइटेड किंगडम में। और ये सारे इसके बॉम्ब रखे हैं जो ये गिराता है जगह जगह पर। और ये है पुराने ज़माने का रडार, अब तो खैर ऐसा रडार यूज नहीं होता पर ये पुराने जमाने का रडार। तो ये फोर्ड की गाड़ी है जो कि इंडियन एयरफोर्स यूज करती थी और यहाँ पे सारे एयरक्राफ्ट रखे हैं इंडियन एयरफोर्स के जो उन्होंने अभी तक यूज किए हैं। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह, इन्होंने इस फाइटर जेट से, ये जो ग्रीन वाला है, ये नैट एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया इससे, पाकिस्तान का था जो कि अमेरिका से मिला हुआ था। ये टाइम कैप्सूल है जो कि ओपन किया जाएगा सेनेटरी पे 8 अक्टूबर 2032 में, जो कि एयरफोर्स के 100 साल पूरे होंगे, 100 साल होंगे। और ये बनाई गई थी 1992 में। तो ये एक और डायमंड है कैप्सूल इंडियन एयरफोर्स का जो कि 2032 में खोला जाएगा जब इंडियन एयरफोर्स के 100 साल होंगे। और ये है गोल्डन कैप्सूल। ये एयरक्राफ्ट जो पीछे है का नाम है MiG-25, रशियन वर्जन एयरक्राफ्ट है। इंडिया ने इसको रशिया से लिया था बेसिकली सर्विलांस के लिए। एयरक्राफ्ट लगभग 1 लाख फीट की सीलिंग पे जाता है जो कि
उस समय कोई भी रडार ऐसा नहीं था जो एक लाख की सीलिंग पे जाके एयरक्राफ्ट को पकड़ सके। इस एयरक्राफ्ट की खासियत ये थी कि इसको कोई भी रडार उस समय तक पकड़ नहीं पाए। एक बार भारत के एक पायलट ने इस्लामाबाद के ऊपर जाके एयरक्राफ्ट का सुपरसोनिक आफ्टर बर्नर यूज़ किया, जिससे पूरे पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ऊपर में बूम बूम की आवाज़ें सुनाई थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और उस पायलट ने ऐसा क्यों किया था आज तक पता नहीं चला। तो ये था ये जहाज़ की कहानी और इंडियन एयरफोर्स है उसकी शौर्यता ग्लोरी है उसकी कहानी है ये। ये वाला है मिग 21 और ये सारे बड़े कैरियर्स हैं यहाँ पर जो इस पे सामान लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूर दूर तक। अभी ये जो खड़ा है मेरे पीछे ये हंटर एयरक्राफ्ट है। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो उसमें जिस एयरक्राफ्ट के बारे में बताया गया कि जो नाइट टेक ऑफ लैंडिंग फैसिलिटी जिस एयरक्राफ्ट में नहीं है वो यही जहाज था हंटर। 71 में जो लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी जो जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी बनी है, मेनली इस जहाज़ को ही दिखाया गया था। इसी के जहाज़ की वजह से वो लड़ाई हम लोगों ने जीता था और पाकिस्तान के जो टैंक्स की पूरी एक बटालियन हमारी तरफ आ रही थी, उन टैंक्स की बटालियन को रास्ते में ही रोक के और लगभग 50% टैंक्स को उनके वहीं पर क्षतिग्रस्त करने वाला जहाज यही था। ये मेन एयरक्राफ्ट था ने लोंगेवाला की लड़ाई हम लोगों को जिताई। ये है हंटर जिसको जैकी श्रॉफ ने उड़ाया था, जैकी श्रॉफ और उनके स्क्वाडन के लोगों ने हंटर। और लोंगे वाला भाई लड़ाई में इसने अहम भूमिका निभाई थी, ये ना होता तो शायद सीन कुछ और होता। कैसा लगा आपको म्यूजियम? मैंने कैसे मिसाइल मार दी थी। मजा आया आपको यहाँ पे? तो अभी आपने जो देखा ये था इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम दिल्ली का। अच्छा म्यूजियम था, हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया। म्यूजियम विजिट करने के बाद वहाँ पर ही लोंगेवाला रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बैठ करके हम लोगों ने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए। खाना ठीक था, रीजनेबल प्राइस थे, सबसे अच्छी बात थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली हम लोगों को। आदविक को बहुत अच्छा लगा। चल मेरी सिस्टर पल्लवी और उसके जो हस्बैंड हैं अमर, उनके साथ हम लोगों ने वो म्यूजियम विजिट किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को ब्लू करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।